हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कैप्टन इरफान और मैं आप सभी को अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है ऑफशोर के बारे में। मैं इसमें थोड़ी सी आपको डिटेल बताना चाहता हूं कि ऑफशोर आपके करियर के लिए अच्छा है या ख़राब है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी ओपिनियन जो रहेगी वो मैं आपके सामने रखूँगा इस वीडियो में। कई लोग मेरे से पूछते हैं, मेरे से कमेंट भी आते हैं, या मेरे जब मैं जाता हूँ बाहर तो मेरे से कई लोग पूछ भी लेते हैं जो सीमन रहते हैं, नए नए लड़के, कि सर ये बताइए कि मेरे को मेन फ्लीट में जॉब नहीं मिल रहा और ऑफशोर में मेरे को कंपनी बुला रही है, एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी है, बहुत कंपनी है ऑफशोर की, तो इसमें कौन से वेसल रहते हैं, क्या काम रहता है, और ख़ासकर मतलब जैसे अगर नए लड़कों को नहीं पता है कि ऑफशोर में क्या क्या काम रहते हैं और किस तरीके की जहाज़ें रहती हैं, तो मैं इस वीडियो में थोड़ा डाउट क्लियर करता हूं उनका। तो वीडियो लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, ऑफशोर वेसल में क्या क्या रहता है? ऑफशोर वेसल में सप्लाई वेसल आते हैं, टोइंग वेसल आते हैं, एंकर हैंडलिंग टग आते हैं, जो रिग के ऊपर में टग बोट असिस्ट करने के लिए जाते हैं वो सब ऑफशोर वेसल के अंदर में काउंट होता है, या जो ये बार्ज को टो करते हैं वो सब ऑफशोर वेसल के अंदर में आते हैं। तो ये ऑफशोर वेसल के ये सारे काम हो गए। और जो मेन फ्लीट में रहते हैं, मेन फ्लीट में जैसे बड़े बड़े जहाज़ रहते हैं, जैसे कंटेनर हो गए, बल्क कैरियर हो गए, उसके बाद में फिर केमिकल टैंकर हो गए, गैस टैंकर हो गए, कार कैरियर हो गए, ऐसे बड़े बड़े जहाज़ जो एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री में और तीसरे कंट्री में ऐसे पूरा मतलब घूमते रहते हैं, वो मेन फ्लीट में आ गए। अब दोस्तों, जो ऑफशोर वेसल रहते हैं, ऑफशोर वेसल भी कोई बुरा नहीं है, बस ये है कि उसको सैलरी में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। जो मेन फ्लीट के जो वेसल्स होते हैं उसकी सैलरी थोड़ा ज़्यादा होती है और आपको उसमें फ्यूचर काफ़ी अच्छा मिलेगा। एक्चुअल में जो अगर मर्चेंट नेवी में अगर आपको ग्रो करना है तो मेन फ्लीट सबसे बेस्ट होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफशोर एकदम ख़राब होती है, ऑफशोर भी अच्छी रहती है। अगर आपको मेन फ्लीट में जॉब नहीं मिल रही है तो आप एक्सपीरियंस लेने के लिए ऑफशोर वेसल में आप आके अपना एक्सपीरियंस लीजिए। एक्सपीरियंस लेने के बाद में फिर आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो आप मेन फ्लीट में भी जा सकते हैं, और अगर आपको एक्सपीरियंस लेने का है तो ऑफशोर वेसल में भी आ जाइए। ऑफशोर में भी कई तरीके के मतलब आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जैसे आप टोइंग में आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, टोइंग वेसल जो रहेगा, या तो सप्लाई वेसल रहेगा, सप्लाई वेसल के बाद में फिर जो असिस्टेंट टग रहते हैं उसमें रहेगा। लेकिन मेरा जो मानना है कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है और आपको अगर कोई ऑफशोर वेसल प्रोवाइड कर रहा है, टोइंग वेसल में, सप्लाई वेसल में, ये खासकर जैसे गल्फ़ में हो गए, गल्फ़ में सऊदी अरब में जो आते हैं, जैसे सऊदी अरब आ गया, कतर आ गया, बहरीन, कुवैत और यूएई सबसे फेमस है, ईरान, इराक, इस जगह में ऑफशोर वेसल काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और चार्टर में भी जाते आते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑफशोर वेसल और मेन फ्लीट में यही अंतर है कि आपको सैलरी का बहुत डिफरेंस मिलेगा। अगर आपका कैरियर एकदम अच्छा आपको करने का तो मेन फ्लीट तो बेस्ट है, उसमें नो डाउट है कि मेन फ्लीट से बेस्ट आपको ऑफशोर में मिलेगा। लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको मेन फ्लीट में नहीं मिल रहा है जॉब तो आप ऑफशोर में आइए। ऑफशोर में आप अपना करियर स्टार्ट तो कीजिए एक्सपीरियंस के लिए। फर्स्ट आपको जब एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा तो आप फिर मेन फ्लीट में जाइए, ठीक है। कई कई लड़के जो फ्रेशर होते हैं उनको काफ़ी टाइम हो जाता है और वो मतलब बैठे रहते हैं कि मैं जाऊँगा तो मेन फ्लीट में ही जाऊँगा, ऑफशोर में जाऊँगा ही नहीं क्योंकि इसमें करियर नहीं बनेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले एक बार जीआरटी देख लीजिए, 500 के ऊपर में जो भी जीआरटी है अच्छी कंपनी है, और कई ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छी है ऑफशोर में, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आरामको कंपनी हो गई, और गल्फ़ में और भी कंपनी है, लीवा पेट्रोलियम है, और जैसे अल मुबारक है, तो ऐसे कई कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छी अच्छी ऑफशोर में भी सैलरी आपको दे रही हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि दोस्तों, अगर आपको मेन फ्लीट में नहीं मिला तो ऑफशोर में ज़रूर जाइए, और सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आया था।